एक ऐसा पेन जो आपके बैक से शुरू होकर आपके थाइज में, देन आपके नी जॉइंट्स में और लास्ट में आपके पैर के अंगूठे तक आपको फील होता है। दिस इज़ कॉल्ड सियाटिका। काफ़ी लोग इस बीमारी के बारे में जानते भी हैं, बट मैं डॉक्टर दीपक, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, आज आपको इसके क्या लक्षण हैं, किस वजह से ये होता है, क्या इसमें इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, क्या इसमें योगा करना चाहिए, इज़ इट क्योरेबल और नोट, और अगर क्योरेबल है तो क्या आयुर्वेदिक दवाइयाँ इसमें दी जाती है, क्या परहेज आपको इसमें करना चाहिए, सारी चीज़ें इस छोटी सी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले इस पेन को समझिए। ये जो आपका सियाटिका पेन है, ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर जो आपकी नसें, जिनको आप कहते हैं नर्व्स, उनके दब जाने की वजह से उसकी सप्लाई जो कि पूरे पैर तक है वो रुक जाती है। अब ये रुकती क्यों है, इसके कई सारे कारण हैं। या तो आपकी ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है, या फिर आपका बॉडी में फैट बढ़ चुका है उसकी वजह से ये दब जाएगी, या फिर आपका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है उसकी वजह से दब जाएगी। और पोस्चर, अगर आप ज़्यादा बैठे हैं, ज़्यादा लेटे हैं, आप ज़्यादा पैदल चलते हैं, या आपको चोट लग गई है, इन सब कारणों की वजह से इन नसों के ऊपर कंप्रेशन आएगा, ये दब जाएगी, और दबने से उसकी सप्लाई जो पैर के नीचे तक जाती है वो रुक जाएगी, और इसी वजह से ये जो पेन होगा आपके बैक से शुरू होगा, आपके देन थाइज में जाएगा, आपके नी जॉइंट में आपको फील होगा, और लास्ट में पैर के अंगूठे में एक सुई के चुभने जैसी आपको एक पेन होगी, और आपको जैसे पल्स हमारी धड़कती है ऐसे पल्सेशन आपको वहाँ पर फील होगी। अब इसके दो तरीके आ जाते हैं कि आपको टू टाइप्स का ये हो चुका है, क्योंकि अगर अच्छे से डायग्नोज ये नहीं हो पाया तो शायद आपका जो ट्रीटमेंट लिया गया है वो गलत हो जाएगा। सबसे पहला ये होता है कि इसमें पेन होगा और पेन के साथ में आपका जो बॉडी का पोस्चर है वो मुड़ने लगेगा, ये एक पहला टाइप हो गया। दूसरा ये कि उसमें ये जो पेन है, पेन के साथ में आपका एनोरेक्सिया यानी भूख ना लगने की आपको एक बीमारी हो जाएगी, आपको ड्राउजीनेस यानी आपका कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। थर्ड ये कि आपकी बॉडी में हैवीनेस आ जाएगी। ये दो अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, दोनों के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट अलग होता है। अब इसमें क्या आपको योगासन करने चाहिए, सबसे पहला कि शवासन या फिर सुखासन, ये दो आसन ऐसे हैं जो आप इसमें करेंगे तो दवाई के साथ में आप अगर ये कर ले तो आपके इसके 100% एफिशिएंसी बढ़ जाएगी इसके ठीक होने की। अब आपको कोई भी ऐसे आसन नहीं करने हैं जिनके ऊपर आपका प्रेशर पड़े वेंस के ऊपर। अगर आप ऐसा फील करते हैं कि शवासन या सुखासन करते हुए भी आपको पेन फील होता है, कंप्रेस आता है आपकी नस के ऊपर, तो रोक दीजिए, उसको मत करिए। तीसरा ये कि आपको क्या परहेज इसमें करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेडिसिन भी खाते हैं और दवाई भी अच्छे से ले रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, बट परहेज आपको नहीं पता कि क्या इसमें चीज़ें खानी है, तो आपकी समस्या ठीक होगी बट थोड़े लॉन्ग टाइम के बाद ठीक होगी। क्या इसमें परहेज रहेगा, एक तो आपको ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी नहीं है, भारी सामान आपको कोई नहीं उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट इसमें आपको करना है, जितनी भी बाधी चीज़ें होती हैं जो आपका पेट खराब करती हैं, जैसे दाल होगी, चावल हो गए, ये सब आपको बंद रखना है, और ठंडी हवा जहाँ से आती हो उसके एक्सपोजर में तो आपको बिल्कुल ही सख्त मना है जाने के लिए। अब इसमें ट्रीटमेंट आपको क्या लेना चाहिए, एक लोकल एप्लीकेशन के लिए आप इसमें महाविषगर्भ तेल से मसाज कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक हॉट वाटर में बाथटब का इस्तेमाल करेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको उसके मिलेंगे। रात को जब आप सोएं 9 बजे के करीब, तो आप 20 ml एरंड तेल को दूध में डालकर ज़रूर लें। इसके साथ में अग्नि तुंडी वटी और रासनादी गुग्गुल, ये दो टैबलेट है, दोनों की दो दो गोलियाँ सुबह शाम आपको उसमें लेनी है। इतना सा मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो ये जो आपका सियाटिका का पेन है ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। इसमें जितने भी योगा, परहेज जो मैंने आपको बताया, दवाइयाँ जो बताई, वो सब अगर आप कर लेंगे तो ये जो आप अलग से मेडिसिन खाएंगे एलोपैथी, हो सकता है उनके आपको साइड इफ़ेक्ट हो जाएं, आई एम नॉट श्योर, बट आयुर्वेद की मेडिसिन ऐसी है जिनके आपको साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बट इसके रिज़ल्ट आपको देर भले ही हो बट अच्छे ज़रूर मिलेंगे।
तो ये सब था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लोगों के साथ में शेयर जरूर करिएगा, और कोई भी आपके हेल्थ संबंधी कमेंट है या फिर दवाई खाने के बाद कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से सलाह ले सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाकर इस विषय में बात कर सकते हैं।